भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या काले धन के मामले में वो पी चिदम्बरम पर कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें, निर्मला सीतारमण ने पहली बार पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर निशाना साधते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिदम्बरम को घेरा। इस दौरान उन्होंने आयकर विभाग की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अपना काम बड़े ही बखूबी ढंग से किया है। सबसे बड़ी बात तो है कि पी चिदम्बरम पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने विदेशों में भी अपनी संपत्ति छिपाई थी, लेकिन उसके बारे में उन्होंने आयकर विभाग को बिल्कुल जानकारी नहीं दी। वहीं उन्होंने बीते दिनों कहा कि चिदम्बरम और उनके परिजनों के खिलाफ कालाधन मामले में आयकर विभाग की कार्रवाई की बात सुनते आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि आयकर विभाग अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं। यहां हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जल्दी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले कांग्रेस नेता पर जिस तरह से शिकंजा कसता जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान कांग्रेस के वोट बैंक पर असर देखने को मिल सकता है। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।